बैंगलोर, दारुणी, कोरल रीफ, घास हाथ, सागर और नीली झीले सब है यहाँ। ये तट रेखा विभागनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से ही बचा है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सब दक्षिण जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है, जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती है। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबा की खाई ऐसा जलाशय है, जिसमें साबरमती, मांझी, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबा की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है, जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है, जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृति और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है, जो उठे हुए तलचट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, वन्य भैंस और चिंकारा का घर रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द्र भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा की स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अगले भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती है। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। हमेशा